जनता के हित में प्रशासन के बीच में बैठे हैं, लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से कई के काम बन जाते हैं, लेकिन इस युग में शायद भगवान के बाद किसी इंसान में भी परमात्मा ने वो भजन दिया है कि जिसके नाम से कितने ही गरीबों के अटके काम निकल जाते हैं। इसलिए सभी तरह के लोग यहाँ बैठे हैं, हम बहुत विनम्रता से निवेदन करके कह रहे हैं, भगवान के नाम से काम चले तो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन जिन अधिकारियों के अफसरों के नाम से केवल एक कागज के ऊपर उनके नाम लिख दो, उनका साइन कर दो, तो कई गरीब का काम हो जाता है। बैंक मैनेजर साहब यदि थोड़ा सा साइन कर दे तो ये भगवान का नाम है कि मैनेजर साहब का, बोलो। आपका जो काम अटका है बैंक में वो भगवान के नाम से होगा कि मैनेजर साहब के नाम साइन हो जाएगा तो हो जाएगा? तो जब भगवान के नाम से काम होता है, ये बात तो शास्त्रों में सुनी, लेकिन आज प्रत्यक्ष दिखता है कि गरीब चार चक्कर कागज लेके जाता है, साहब साइन कर दो, मेरे गरीब के पेट का सवाल है। यदि आपके नाम से, यानी कई लोग तो ये आपने सुना है डायरी में राम नाम लिखते हैं, नमः शिवाय लिखते हैं, और भी जिनकी आस्था जो है लिखते हैं, श्री कृष्ण चरण मम के 1 करोड़ नाम लिखेंगे, लेकिन जो बहुत व्यस्ततम जीवन जीते हैं, जिनको भगवान ने अच्छे पद पे बिठा रखा है, आप भगवान का नाम तो नहीं लिख सकोगे, पर जब कोई गरीब कागज लेके आए आपका ही नाम लिख देना, उसका काम हो जाएगा, 1 करोड़ नाम के बराबरी हो जाएगी। 1 करोड़ कब लिखोगे, कब मोक्ष पाओगे, कब ईश्वर तक पहुंचोगे, बहुत बड़ी लंबी यात्रा है, लेकिन इतना सा कर देना, भटक रहा है, 4 चक्कर हो गए, बार बार आ रहा है, इतना सा काम है, राम का नाम नहीं आपका नाम लिखना, केवल आपको पेन उठा करके। यदि ऐसा काम पड़ जाए चूकना मत, ये बहुत बड़ा अवसर दिया है ईश्वर ने। और वो क्या कह रहा है कि मेरा नाम लिखने से तो बहुत सागर से पार होते हैं, लेकिन किसी की फाइल चल जाती हो तो वो नाव से कम नहीं है। नाव से कम नहीं है, किसी गरीब की फाइल आगे बढ़ जाए आपके नाम से, चल क्या रखा है, साइन करी, आगे बढ़ाओ, ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मेरे नाम से फाइल चलती है, कागज चलता है, इसका काम होता है, इसको रोजी रोटी मिल जाती है, तो चुकूंगा नहीं, ये काम कर डालूंगा। यदि इतना हमने इस धर्म जगत में कुछ किया तो ये समझ लेना रेल चलाने वाले से आपका संबंध बन जाएगा। ईश्वर से संबंध जोड़ने के ये साधारण साधन है, ये फोकट की बातें, इधर उधर जाना, कहीं हाथ दिखाना, कहीं कुंडली दिखाना, कहीं योग दिखाना, इन सब बातों में ज्यादा भरोसा मत किया करो। ज्यादा भरोसा करो तो भगवान में भरोसा करो, और दूसरा अपने कर्म पे भरोसा करो। बाकी सब बातों में आप कहते वो भूत भविष्य बता देते हैं, वो आगे की बात बताते, भविष्य भगवान भी नहीं बताता है। जो विधाता है ना, जिसने ये संसार बनाया, ये भाग्य लिखा, उससे भी पूछा कि क्यों तू भविष्य बता देता है, नहीं कि मुझे भी नहीं मालूम, तो तू विधाता है, तू तो बता सकता है, नहीं बताने का काम और ये भूल मैं कभी भी नहीं करूंगा। जो भविष्य पूछते हैं वो पूछने की भूल मत करना, और बड़े लोग हैं वो, हमारी इतनी औकात नहीं जो हम कुछ कह सके, लेकिन यदि हमारे तक कोई बात आती तो हम तो बराबर हाथ जोड़ लेते हैं, देखो भगवान महादेव वही महाकाल उज्जैन के काक भुशंडी के साथ अयोध्या में राम जी के अवतार में दर्शन करने गए, और वहां पर कौशल्या जी ने सुना एक बाबा बहुत जानकार आया, मेरे बेटे का भी हाथ दिखा लूं, भाग्य दिखा लूं,
भूषणडीह ने प्रचार किया, बहुत अच्छे बाबा आए हैं, बहुत अच्छे योगी हैं, बहुत भविष्य बता देते हैं, बुलाया इनको राज दरबार में, बालक सामने लाए, बाबा ने देखा और बताने लग गए, महादेव बहुत भविष्य के जानने वाले, कह दिया उनने होनहार बालक है, अवतारी पुरुष है, नाम कर देगा, जो शुरू किया उनने पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा, विश्वामित्र जी के साथ जाएगा, विवाह होगा, अच्छी बहू मिलेगी, नित्य नया आनंद आएगा। इसके बाद और तुरंत भूषणडीह ने महादेव जी का चरण पकड़ लिया, बस महादेव बस आगे मत बोलना, नहीं भविष्य बताना, नहीं भविष्य मत बता देना, यदि विवाह तक बताओगे जब तक तो ठीक है, विवाह के बाद बोल दिए तो इस घर की खुशियां विदा हो जाएगी। जो 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 कुछ वर्षों बाद होना वो आज ही घटित होगा, सन्नाटा छा जाएगा, भविष्य कभी मत बताना। इसलिए परमात्मा ने भी अपना निर्णय बदल लिया और कौशल्या जी से कहा, माता आज तक का तो बता दिया, अगले चक्कर आऊंगा आगे की बात बताऊंगा। आप सब बुद्धिजीवी बैठे हो, यदि इसके बाद वाला यानी वनवास वाला काल महादेव वरण कर देते तो उस दिन खुशियां विदा हो जाती, सन्नाटा छा जाता सारे अयोध्या में, सारे अयोध्या में क्या होता। इसलिए भविष्य को हाथ मत लगाओ, भूत को हाथ लगाओ, वर्तमान को हाथ लगाओ, भविष्य को हाथ मत लगाओ। अभी भी कोई ऐसी सभा होती है, गांव में सभा होती है, ऐसे मंत्री महोदय पधारते हैं तो वहां पर फिर ये संचालन करते हैं, ऐसे करते हैं, तो आपने सुना होगा नहीं वहां। अब हमारे वर्तमान सरपंच साहब माल्यार्पण करेंगे, वर्तमान आ जाए। अब हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब तो फिर भूतपूर्व आ जाए, और यदि वो उठा कर कह दे अब हमारे भविष्य के सरपंच साहब, उसी दिन आग लग जाएगी गांव में, उसी दिन मोटर निकलने लग जाएगी, उस दिन उलट पुलट काम शुरू हो जाएगा, पत्थर पड़ने लग जाएंगे, शराब बैठेगी, अनसन काम शुरू हो जाएगा। ये सरपंच भविष्य का यो बनी जाए, या मुझ मारा होते इके का बात के नहीं बढ़वा दू। बनेगा जब बन जाएगा, अभी से आग क्यों लगा रहे हो। इसलिए बोलना है तो क्या बोलो, भूतपूर्व सरपंच साहब, वर्तमान सरपंच साहब, भविष्य वाले को बैठा रहने दो, भविष्य को हाथ लगाओगे तो तौबा खा जाओगे। विधाता ने भी भविष्य को हाथ नहीं लगाया और हम गलती यही करते हैं, कैसा महाराज है, कैसा पहुंचा पुरुष है, भविष्य की बता दे, आगे तक की बता दे, आगे की महाकाल ने नहीं बताई तो अपन क्या बता सकते साहब, क्या बता सकते। फालतू अच्छे कर्म करो, जैसा करोगे कर्म वैसी तकदीर बनती जाएगी, तुम लाख फोड़ो सर मगर किस्मत न फोड़ी जाएगी, कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, भले माथा कूटो कि छाती, बजाय ये कूटने के, ये कूटने के कीर्तन करो। अभी महोदय ने कहा था कि भजन करो, गोपाल कृष्ण सब दे देगा, मैं क्या दूं, गोपाल सब दे देगा, ये करो, ये कूटने से रेखा सही नहीं होगी, ये हाथ की रेखा भी बताने से सही नहीं होगी, ये सब रेखा कब सही होगी, ये भजन करो, माला करोगे ठीक हो जाएगी, किससे पूछना, कान आंख रगड़ना। और एक बात और अंतिम में कह देते हैं, आप जितना ऐसा 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 जाकर के बताते फिरोगे नहीं तो इससे पाखंड बढ़ेगा, फिर अखबारों में खबर आएगी, फिर टीवी पे देखोगे पाखंडी बाबा पकड़ा गया, फिर धर्म से आस्था खत्म होगी, फिर आप कहते हो कोई धर्म में दम नहीं, कोई भगवान में दम नहीं, कोई गुरु में दम नहीं, कोई गोविंद में, फालतू की बातें होगी, फालतू की बातें होगी। इसलिए आपसे हमने निवेदन किया है, इन चीजों पे आप ध्यान देना, कर्म पे ध्यान देना, मेरा कर्म कैसा है। भाग्य तो कर्म से बनता है, कोई की कलम से नहीं बनता है, बनता है
तो कभी कभी बिगड़ भी जाता है और बिगड़ा हुआ कभी कभी सुधर भी जाता है। पार्वती को भिखारी पति लिखा था पर अच्छी तपस्या करी तो वो महादेव जैसा पति मिल के भिखारी नहीं ऑर्डरदानी मिल गया। फर्क पड़ता है ऐसा ऐसा नहीं, जिसने लिखा है उसने एक बार लिख दिया और कह दिया इसको कर्म से ठीक कर लेना। बस यही शब्द आपकी सेवा में रखने थे। हम आपका ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, ज्यादा माथा भी नहीं खाएंगे। आप अपने अपने घर जाओ, हम अपने मुकाम पे जाएं, महोदय अपने मुकाम पे जाएं। फिर कभी मिलेंगे, फिर आनंद आएगा, जय जयकार होगी। पर ध्यान रखना रेल के ड्राइवर का, धीमी कर देना गाड़ी, धीमी कर देना, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य संत महाराज, बहुत अच्छी बात है आपने बताई। आज जन्माष्टमी की पूर्व संध्या है, जन्माष्टमी पर पूरे देश में, खासतौर से पश्चिमी हमारे भारत देश में मटकी फोड़ने का पर्व मनाया जाता है। मटकी को हम उल्लास के रूप में, उमंग के रूप में हम इसे मनाते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो मटकी राधा माटी समूह कलाकारों ने बनाई है,